रतन सूत्र नंबर 4। रतन सूत्र, जैसा कि पहले भी बताया है, जितने भी सूत्र हैं उसमें रतन है, जेम है, ज्वेल है, ज्वेलरी है। जब एक बार वैशाली के अंदर महामारी, जैसी महामारी आज के समय पूरी दुनिया में कोरोना के वायरस से हो रही है, ऐसी महामारी उस समय वैशाली में हुई, तो वैशाली के लोगों ने भगवान बुद्ध को निमंत्रण दिया कि आके इस महामारी से हमें मुक्ति दिलाएं। भगवान बुद्ध वहां एक गंगा को पार करके, सारी जितनी भी नदियां आज के समय बोली जाती हैं, उस समय उन सबको गंगा बोला करते थे। जहां भी बहता पानी है वो गंगा होता था। एक गंगा को पार करते हुए आए और वहां आकर उन्होंने सभी जितने भी प्राणी, जितने भी अंतरिक्ष, आकाश और जमीन पर जितने भी प्राणी थे, उन सबका आह्वान किया, उन सबसे एक निवेदन किया, उन सबसे कहा कि आप मनुष्य का भला करें, इनको रोग मुक्त करें, क्योंकि ये आपको बलि देते हैं। बलि का मतलब कर देते हैं, टैक्स देते हैं, आपको खाना दाना पानी देते हैं। ऐसा करते हुए वहां पर जितने भी बुद्ध के या संघ के या धम्म के अच्छे अच्छे गुण थे, श्रेष्ठ गुण थे, जो करेक्टरिस्टिक्स थी, जो अच्छी बातें थी, उनको याद किया गया और उनको सबको याद कराया गया और वो महामारी जल्दी ही वहां से चली गई, मुक्त हो गई। सारे प्राणी जितने भी थे वो स्वस्थ हो गए, पेड़ पौधे हरे हो गए और वहां जनजीवन सामान्य हो गया। ये बात आज के समय, क्योंकि अभी हम धम्म के गुणों को नहीं जानते, धम्म काफी हद तक लुप्त हो चुका है मनुष्य के अंदर से। धम्म प्रकृति में विद्वान है, वैसा ही स्थित है जैसा पहले था, वैसा ही अटल है, वैसा ही अरुण है, वैसा ही सनातन है, सनातनों है, जैसा बुद्ध के समय में था। पतन जो हुआ है, यानी जो डिके हुआ है, क्षय हुआ है, खयंग हुआ है, वो सारा का सारा मनुष्य का हुआ है। मनुष्य ने धम्म को जानना और धम्म का व्यवहार करना और प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, इसलिए धम्म की ताकत को पहचानता नहीं, धम्म अपना काम करता रहता है। इस रतन सूत्र को जो बोला जाता है वो महामारी विजय सूत्र बोला जाता है, या महामच्छु विजय सूत्र। मच्छू को आज की भाषा में मृत्यु बोलते हैं, इसलिए महामृत्यु विजय सूत्र या महामृत्युंजय, मृत्यु और विजय मिला के मृत्युंजय हुआ, तो महामृत्युंजय। और सूत्र को यहां आज के समय में मंत्र बोला जाता है, तो महामृत्युंजय सूत्र या मंत्र भी बोला जाता है। ये वही रतन सूत्र है, क्योंकि रतन का मतलब बहुत पॉजिटिव होता है, अच्छा होता है, और मृत्यु थोड़ा सा निगेटिव शब्द है, इसलिए पाली में पॉजिटिव बातें बोली जाती हैं, निगेटिव नहीं। इसको रतन सूत्र के नाम से ही जाना जा सकता है। बहुत सारे लोग इसको महामच्छुंजय सूत के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्योंकि कोई आदमी, जैसा कि हमारे पास में सूचनाएं आ रही हैं और लोगों की टीका टिप्पणी आ रही हैं, कई लोग जो विज्ञान पढ़े हुए होते हैं, जो खाली विज्ञान को जानते हैं मगर व्याणा को नहीं जानते, क्योंकि व्याणा जो है वो भगवान बुद्ध ने खोजा था, उस व्याणा को ही आज के समय विज्ञान बोलते हैं। व्याणा पुराना शब्द है, सारा व्याणा जितना भी है वो सब भगवान बुद्ध की देन है और उन्होंने खोज इसको डिस्कवर किया, उसी को संस्कृत भाषा में विज्ञान बोलते हैं। गैर शब्द पाली में नहीं होता। तो जितना भी विज्ञान है वो सारा उसमें समाहित है, उसके अंदर है। कैसे वो ठीक हो सकते हैं, कैसे नहीं हो सकते हैं, महामृत्युंजय या रतन सूत्र वायरस को किल करने का या वायरस को मारने की कोई दवाई नहीं है, मगर शरीर के अंदर, प्राणियों के शरीर के अंदर एक खुद इम्यूनिटी होती है, रोग से, रोगाणु से, जीवाणु से, विषाणु से, वायरस से, बैक्टीरिया से, पैरासाइट से लड़ने की ताकत खुद ही होती है। ये बॉडी में आते रहते हैं और बॉडी इनको लड़ती रहती है, मगर जब आप अवसाद में आ जाएंगे, निगेटिविटी में आ जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, घबरा जाएंगे, भय में आ जाएंगे, क्रोध में आ जाएंगे, लालच में आ जाएंगे, निगेटिव जो ऊर्जा है, जलन में, ईर्ष्या में आ जाएंगे, तो आपकी सारी ऊर्जा उसमें चली जाती है और जो इनसे लड़ने की ताकत है वो कमजोर हो जाती है। तब ये सारे जितने भी कीटाणु हैं या जितने भी अणु हैं या जितने जीवाणु हैं या जितने भी छोटे छोटे सूक्ष्म प्राणी, उस समय इनको सूक्ष्म प्राणी बोला जाता था, ये सारे के सारे तब ताकतवर हो जाते हैं और आदमी बीमार हो जाता है और कई बार, कई मरतबा मर भी जाता है। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, अंदर की ताकत बढ़ाने के लिए, इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए पॉजिटिव बातें, सारी जो बातें हमें बहुत ऊपर तक ले जाती हैं, उनको याद किया जाता है, मन में धारण कराया जाता है, इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। इसकी प्रैक्टिस होने से वो शरीर में एक ऊर्जा आती है जो उनसे लड़ती है और महामारी खत्म हो जाती है।
भगवान बुद्ध ने किसी भी सूत को या किसी भी बात को जो बताया है, या जो दोहे या जो छंद या जो वर्सेस या आयत या कलाम या जो भी कुछ सेनेटिस हैं, जो वर्सेस हैं, उनको किसी भी हालत में कभी भी रटने के लिए या पाठ करने के लिए नहीं बोला। किसी भी सूत को ये नहीं कहा कि आप इसका जाके पाठ कीजिए या इसका जाके जप कीजिए या इसको रटिए या इसको याद कीजिए या इसको स्मरण कीजिए या इसको लर्न कीजिए। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि जाइए, इसका अभ्यास कीजिए, इसको देखिए, इसको समझिए, इसको जानिए, इसको व्यवहार में उतारिए, इसका व्यवहार देखिए कि ये कैसे काम करता है। ये भगवान बुद्ध की, तथागत बुद्ध की, सम्यक संबुद्ध की एक खास बात रही है स्टडी की, पढ़ाने की। ये जब भी उन्होंने पढ़ाया है, रटने के लिए कभी नहीं बोला। उनके समय कभी एक सिंगल वाक्य भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये कहा हो कि मैंने ये बताया है तो आप इसका जप करें या इसका मंत्र करें या इसको बार बार स्मरण करें या बार बार इसका उच्चारण करें या इसी को बोलें या इसका रिपीटेशन करें। ऐसा एक सिंगल भी उदाहरण नहीं है। हमेशा उन्होंने यही कहा है कि जाइए भिक्खू, जाके इसको व्यवहार में उतारिए, इसको देखिए, इसकी साधना कीजिए, इसका समाधि लगाइए, इसमें रत रहिए, इसको जानिए, इसका व्यवहार को देखिए कैसे काम करता है। ये खास बात है रतन सूत की। तो रतन सूत में आप बिल्कुल भी बेहिचक हुए ये जान लीजिए कि उस समय जो बुद्ध के और धम्म के और संघ के गुण थे वो क्या थे। और इसके साथ ही जो आज आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, जितनी भी आपकी ऐसी ऊर्जा है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, जो दुनिया में बहुत अच्छी है, जो आपके परिवार मोहल्ले सबके लिए अच्छी है, ये शर्त है उस बात के लिए, वही काम करेगा जो बात आपके लिए अच्छी हो, आपके पड़ोसी के लिए, परिवार के लिए अच्छी हो, आपके मोहल्ले कॉलोनी के लिए अच्छी हो, आपके सारे समुदाय के लिए अच्छी हो, पूरे स्टेट और राज्य के लिए और जिले के लिए अच्छी हो और पूरे देश के लिए अच्छी हो और पूरी दुनिया के लिए अच्छी हो। कोई बात अगर सिर्फ आपके लिए अच्छी है और बाकी के लिए खराब है तो वो उल्टा असर करेगी। वो रतन सूत आपको ठीक करने की बजाय और ज्यादा नुकसान में दे देगा। इसलिए यूनिवर्सल सच्चाई और यूनिवर्सल अच्छी बात होनी चाहिए जो सार्वजनिक और सर्वव्यापक हो, सभी लोगों में मान्य हो। ये इसका खास बात है। इसलिए अपनी पॉजिटिव एनर्जी जो अच्छी है और जो इसमें गुण दिए हैं उनको पहले समझ लीजिए। रतन सूत्र जितने भी हैं एक एक करके मैं सबके गुण आपको बता रहा हूं। आप ये मान के चलिए कि आप भगवान बुद्ध के समय काल में हैं और वहां पर महामारी है जहां पर भगवान बुद्ध के गुण बताए जा रहे हैं। बुद्ध मतलब जितने भी अच्छे लोग हैं उनके गुण बताए जा रहे हैं, तब इसका लाभ होगा। रतन सूत्र नंबर 4, खयंग विरागंग अमत्तंग पणितंग यदज्जगा सक्य मुनि समाहितो नैतेन धम्मेन समत्थि किंची इदंपि धम्मे रतनंग पणितंग एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। खयंग विरागंग अमत्तंग पणितंग यदज्जगा सक्य मुनि समाहितो, इसका मतलब यह है कि खयंग का मतलब है यहां पर क्षय और नाश, और विराग का मतलब है जिसको राग ना हो, रागों से बिल्कुल विमुक्त हुआ, रागों से बिल्कुल खत्म हुआ। यानी कि जिसने अपने जितने भी आसव हैं उनका क्षय कर लिया है। आसव का मतलब है जितनी भी बुराई है, यानी जितनी बुराई है उनको क्षय कर लिया है, डीके कर लिया है, खत्म कर लिया है। और विराग का मतलब है जो राग से विमुक्त हो गया है, जिसके अंदर कोई राग नहीं है। अमत्तंग पणितंग, अमत्त जो शब्द है, अमत का मतलब है अमृत पद, आज के समय उसे अमृत बोलते हैं, उस समय अमत बोलते थे। अमृत का मतलब है अमृत, अमच, यानी कि जो मरे ना, ऐसा पद जो हमेशा अमर रहे, जो कभी ना मरे, उसे अमत बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कौन होगा जो कभी ना मरे? ऐसा व्यक्ति वो होता है जो मरने की सीमा से परे निकल जाता है, यानी कि जो अपने आप सब कुछ देख लेता है और जान लेता है कि क्या है, वो कभी नहीं मरता। फिर वो निर्वाण को प्राप्त होता है और वो उस अवस्था को प्राप्त होता है जहां व्यक्ति नहीं मरते, यानी शरीर चला जाएगा मगर वो दोबारा मरने के लिए पैदा नहीं होते। उसको अमृत पद बोला है पुराने समय से, आज के समय अमृत बोलते हैं। अभी तो अमृत का मतलब बदल गया है, अभी तो अमृत को कहते हैं कि जिसने, अगर किसी को अमृत मिल गया तो अमृत पी लिया, अमृत चख लिया, खा लिया, तो व्यक्ति सदा जीवित रहेगा। हालांकि ऐसा एक भी उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं है कि कोई व्यक्ति सदा से जीवित रहा हो। पूरी दुनिया में 7 अरब 77 करोड़ लोग हैं इस समय, एक व्यक्ति सिंगल भी ऐसा नहीं है, एक जानवर भी ऐसा नहीं है जो बहुत करोड़ों सालों से या लाखों सालों से या हजारों सालों से या कई सौ सालों से जीवित रहा हो, मिला हो।
सबकी आयु बहुत ज्यादा किसी की 100 110 साल तक रही है, फिर वो मर जाता है। तो अमत का अभी मतलब बदल गया है, मगर अमत तो उस समय था निब्बान पद, यानी कि जीते जी सभी दुखों को मुक्त होना, उसको अमत बोला थे, आज के समय अमृत बोलते हैं। तो यानी कि जिसने अपने सारे सारे जितने आसव हैं, आसव का मतलब जितने दुर्भाव हैं, जितनी दुर्भावना है, उनका क्षय कर दिया है, खत्म कर दिया है, और जो अपने जीते जी जिसने सारे राग, यानी जो चाहिए 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 मन के अंदर होता है, वो सारे खत्म कर दिए हैं, उनसे मुक्त हो गया है, ऐसा व्यक्ति जो श्रेष्ठ है, अमृत पद प्राप्त हो गया, जिसे निब्बान पद प्राप्त हो गया है। पणित माने श्रेष्ठ। यद जंगा शक्य मुनि समाहितो, यद अजग्गा, यद अजग्गा का मतलब है यद माने जब, और अजग्गा माने प्राप्त किया, यानी कि जब प्राप्त किया या अनुभव किया। शाक्य मुनि, शाक्य मुनि का मतलब है, क्योंकि भगवान बुद्ध को शाक्य मुनि भी बोलते हैं, शाक्य उनके जो लोग जहां रहते थे साग सब्जी उगाया करते थे, इसलिए खेती बाड़ी किया करते थे, इसलिए उनको शाक्य लोग बोलते हैं, और वो शाक्य लोगों के जितने वंशज थे वो उनको सब शाक्य मुनि बोलते हैं। आज भी बहुत सारे शाक्य भारत के अंदर पाए जाते हैं। तो शाक्य मुनि, मुनि का मतलब है जो उनमें श्रेष्ठ हैं, जो उनमें ज्ञाता हैं, जो जानते हैं, तो शाक्य मुनि हो गए, बुद्ध हो गए। और समाहितों का मतलब है स्थिर चित्त से, समहित यानी कि जिन्होंने समाहित किया, सम सहित किया, क्या किया, सम को स्थिर किया, स्थिर अवस्था में प्राप्त किया, जिन्होंने अपने चित्त को स्थिर अवस्था में प्राप्त करके अपने सारे जितने भी दुख थे, जितने भी दुर्भावना थी, उन सबको निकाला और अमत पद प्राप्त किया, निर्वाण पद प्राप्त किया। न तेन धम्मेन समत्थि किंची, न तेन धम्मेन यानी धम्म में कोई नहीं है, समत्थि किंची, समत्थि माने उनके तरह, किंची माने कोई, यानी इस धम्म में उन जैसा कोई भी नहीं है। इदंपि धम्मे रत्नं पडितं, इदंपि, इदंपि मतलब यह भी धम्म में एक श्रेष्ठ रत्न है, यानी कि यह बात जो है वो धम्म में एक श्रेष्ठ और सबसे अच्छा रत्न है। एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु, एतेन सच्चेन इस सच्ची बात से, सुवत्ति माने स्वस्थ हो सारे के सारे लोग जो वहां इस समय हैं, यानी कि भगवान बुद्ध ने अपने सारे के सारे रागों को मुक्त किया, जितने भी दुर्भावना थी उनको दूर किया, और जो स्थिर चित्त से उन्होंने अपने मन को स्थिर करते हुए जो सबसे अच्छा रत्न है, यानी कि निब्बान पथ है, अमत पथ है, उसको प्राप्त किया। पूरे धम्म में ये सबसे अच्छी बात है, इस अच्छी पॉजिटिव बात से सभी प्राणियों का कल्याण हो, सभी स्वस्थ हो, सभी अच्छे हो, ऐसा ये रतन सूत्र नंबर 4 कहता है। धन्यवाद।